जय श्री राधा कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी यानी संकट चतुर्थी, यानी कि लंबोदर चतुर्थी, यानी कि माघ चतुर्थी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि बच्चों की दीर्घायु और कामयाबी और निरोगी जीवन के लिए व्रत रखने की चतुर्थी। ये माघ चतुर्थी जो है यानी संकटे चतुर्थी जो है वो 10 तारीख को मनाई जाए या 11 तारीख को मनाई जाए, इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सरल विधि क्या है, किस प्रकार हम पूजा करें संकल्प लेकर, क्या पूजन सामग्री है और क्या एक ऐसा विशेष उपाय है जिसको कर लेने से संतान हमेशा हमारी कामयाब होती है। तो आज की वीडियो में ऐसी समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ संकष्टी चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी, यानी कि संकट चौथ कहते हैं, यानी इसको तिल चौथ भी कहते हैं। तो ये पर्व 10 जनवरी या 11 जनवरी किस दिन मनाना उचित होगा, क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले जानेंगे कि किस दिन मनाना उचित होगा। 10 जनवरी में जो चतुर्थी है वो प्रातःकाल, मतलब दोपहर में कहूँ, 12:09 से प्रारंभ होगी 10 जनवरी में, जो कि 11 जनवरी को 2:40 पर समाप्त होगी। यूं तो सूर्योदय की तिथि आप माने तो 11 जनवरी होगी, लेकिन ये व्रत का पारण जो किया जाता है चंद्रमा को अर्घ देकर किया जाता है या तारों को अर्घ देकर किया जाता है। तो आपके व्रत रखने का पूर्ण फल और पारण जो होगा वो 10 जनवरी को ही होगा, क्योंकि 11 जनवरी में 2 के बाद जब ये चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी तो आपके व्रत का पारण नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी कंफ्यूजन में ना रहते हुए आप 10 जनवरी में इस व्रत को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बता दूं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:49 से लेकर 6:16 तक अत्यंत विशेष शुभ संयोग है, जिसमें कि आपको कथा और पूजा इत्यादि कर लेनी चाहिए। अब बात करेंगे कि संकष्टी चतुर्थी आखिर क्यों मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस संकष्टी चतुर्थी पे जो भी सुहागन स्त्रियां अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं, भगवान गणपति की पूजा करती हैं, उनकी संतान जो है दीर्घायु होती है, निरोगी होती है, बुद्धिमान होती है और कामयाब होती है। तो उसके पीछे भी वैसे तो संकष्टी चतुर्थी की कथा भी है, लेकिन समय कम है तो कथा आपको नहीं सुना रही हूँ। कथा आप लोग श्याने या कुबच्चे से जानते होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो जो हर बार आती है संकष्टी चतुर्थी की, उनमें मैंने कथा भी बताई हुई है, आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। बात सूक्ष्म में यह है कि इस दिन माघ माह की चतुर्थी वाले दिन भगवान गणपति ने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी और परिक्रमा करके अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय दिया था, तभी से उन्हें वरदान मिला था कि आप बुद्धि के दाता हैं। बच्चों को भगवान गणपति की पूजा करने के लिए इसीलिए कहा जाता है जिससे कि उनकी बुद्धि तीव्र हो। तो ये था इस व्रत को करने का महत्व जो मैंने आपको बताया, और कब करना है ये मैंने आपको बता दिया, पूजा का समय मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कि हम इसमें क्या क्या पूजन सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे और क्या हमें इसके दिन किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, पीरियड में कैसे रखें, प्रेगनेंसी में कैसे रखें, पहली बार कैसे रखें, समस्त जानकारी दूंगी। इसलिए अंत तक मेरी वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ना आप जब वीडियो निकाल के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाती हैं, आप ये भी भूल जाते हैं कि पूजा में क्या चीज सुबह के लिए बताई गई है और क्या शाम के लिए। तो इसलिए प्लीज थोड़ा साथ दीजिए और साथ बने रहिए। तो हम बात कर रहे हैं पूजन सामग्री की। इस भगवान गणपति की पूजन सामग्री के लिए यूं तो अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है, पर जनरल पूजा बताऊंगी तो गंगा जल आपके पास होना चाहिए, पीले रंग का वस्त्र आपके पास होना चाहिए, अबीर और गुलाल, भगवान गणपति अबीर और गुलाल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, कुमकुम आपके पास होना चाहिए, दूर्वा घास आपके पास होने चाहिए, मोदक आपके पास होने चाहिए, तिल आपके पास होना चाहिए, गुड़ आपके पास होना चाहिए, पीले फूल आपके पास होना चाहिए, जनेऊ आपके पास होना चाहिए, घी का दीपक आपके पास होना चाहिए। ये वही वस्तुएं हैं जो निश्चित आपके घर के मंदिर में अवेलेबल होती हैं, केवल जो भोग का सामान है वही आपको बनाना है। कहा जाता है इस चतुर्थी पे तिल का विशेष महत्व है, इसे तिल चौथ भी कहते हैं। इस व्रत में तिल को का भोग लगाना, तिल को खाना और तिल का दान करना तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
तो ये पूजन सामग्री आप सब एकत्रित कर लीजिएगा। उसके पश्चात प्रातः काल से आपको बताती हूँ कि जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा एक चुटकी तिल डालें। हालांकि ये पूरी सीरीज आपके पास आएगी, यानी कि 8, 9, 10 तारीख को ये तिल चौथ है, तो 8, 9, 10 तीनों दिन मैं आपके लिए 3 अलग अलग प्रकार की वीडियो लेकर आऊंगी। आपका जितना जी चाहे उतने उपाय कर लेना, जितना जैसे भी चाहे मन वैसे पूजा कर लेना, गणपति भगवान को पूरे वर्ष के लिए प्रसन्न कर लेना। तो आज बात कर रही हूँ केवल कि कब है, कैसे है, क्या करें क्या ना करें। तो हमारी बात चल रही थी पूजा सामग्री की, जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार करना है। तो नहाएंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, संभवतः कोशिश करें कि आपके पास पीले या हरे वस्त्र हो तो आप वो धारण कर लें। जहाँ भी भगवान गणपति जी को स्थापित करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर भगवान गणपति जी की मूर्ति, प्रतिमा, तस्वीर जो भी आपके पास है, नई लाने की आवश्यकता नहीं है। नई लाने का एक विशेष उपाय अलग से शॉर्ट वीडियोज भी, हाँ इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज भी डेली आपको दूंगी, जिसमें बहुत छोटे छोटे भी चीजें आपको हर मनोकामना के लिए अलग अलग करनी होंगी। तो आप वो मूर्ति आपके पास जो घर में, उसे ले लेंगे, गंगा जल से पवित्र कर लेंगे। उसके पश्चात आप भगवान गणपति को दूर्वा घास चढ़ाएंगे। 22 जोड़े दूर्वा घास चढ़ाने का वैसे विधान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो 22 जोड़े दूर्वा घास बना लीजिएगा। दूर्वा घास बहुत मिलती है, कोई कमी नहीं है दूर्वा घास की। एक एक जोड़ा, मतलब वो तीन तीन वाली जो होती हैं उनको जोड़ के एक जोड़ा बनाना, कलावे से बांध लेना या पीले धागे से बांध लेना उसको। प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे लास्ट ईयर के, तो मैंने बनाकर भी दिखाया आपको कि किस तरह से आपको उसका जोड़ा बनाना है। तो 22 जोड़े आपको दूर्वा घास लेनी है। तिल के लड्डू यदि आपने भोग के लिए बना लिए तो बहुत ही उत्तम है। तो तिल के लड्डू आप भोग के लिए बना सकते हैं और वो भगवान को भोग लगा सकते हैं, अथवा तिल और गुड़ का भोग लगा सकते हैं। ये आपने भोग के लिए सामग्री ली, पीले फूल चढ़ाएंगे, दूर्वा घास के जोड़े चढ़ाएंगे, और जो भी आपने अपने मन में विचार किया है सबसे पहले ये सारी सामान चढ़ाएंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल से हाथ को पवित्र करके थोड़े से तिल लेके, आप देखिए यहाँ चीजें थोड़ी सी परिवर्तित हैं। हमेशा आप जब संकल्प लेती हैं तो चावल हाथ में लेके, यानी अक्षत और फूल हाथ में लेके आप संकल्प लेती हैं। यहाँ आपको संकल्प लेना है तिल और दूर्वा घास लेकर। तिल और दूर्वा घास अपने हाथ में लेकर आपको संकल्प लेना है, हे गणपति बप्पा, मेरे संतान की, मेरे परिवार की, सबकी रक्षा करना, सबको कामयाबी देना, सबको खुशहाली देना, मेरे बच्चे दीर्घायु हों, बुद्धिमान बने। तो इस प्रकार का संकल्प लेके कि मैं आपके निमित्त आज ये व्रत कर रही हूँ और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए व्रत कर रही हूँ, कृपया उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और ये व्रत मेरा पूर्ण हो जाए, इसमें आप मेरी मदद करें। इस प्रकार से आप संकल्प लें, और जो संकल्प लेते हैं तिल और आपके हाथ में जो दूर्वा घास का एक जोड़ा और तिल, दूर्वा घास में कभी अकेले मत चढ़ाना, जोड़े में चढ़ाना। तो वो जोड़ा, दूर्वा घास का जोड़ा और तिल जो है वो भगवान गणपति के चरणों में आप अर्पित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हें प्रणाम करेंगे और आपको जो भी मंत्र याद है उस मंत्र का आप स्मरण करेंगे 108 बार, नहीं तो एक चमत्कारी मंत्र बता रही हूँ। ओम सर्व सिद्ध प्रदाय नमः, ओम सर्व सिद्ध प्रदाय नमः, ओम सर्व सिद्ध प्रदाय नमः मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करते हैं, चंदन की माला लें या रुद्राक्ष की माला लें, भूले से भी तुलसी की माला भगवान गणपति के मंत्रों में इस्तेमाल नहीं की जाती है, इस बात का आपको स्मरण रहना चाहिए। तो किसी भी माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें, उसके पश्चात आप अपना जो भी आपका व्रत है वो उसको प्रारंभ करें। व्रत का पारण का जो समय है वो चंद्रोदय का समय भी बताऊंगी, 8:50 पर चंद्रोदय होगा। किसी किसी जगह चंद्र दर्शन करके व्रत को का पारण किया जाता है और कहीं कहीं तारों का दर्शन करके भी चंद्र पारण किया, अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत रखने की प्रक्रिया आगे चलेगी। अभी ये पूजा हो गया और आपने संकल्प ले लिया। जो संध्या पूजन का समय है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उस समय पर आप, अगर मॉर्निंग में आपने मंत्र जाप कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो आप उस समय में, शाम का जो समय है विशेष पूजा का समय, उस समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान जी की कथा सुन सकते हैं, गणपति जी की कथा जरूर सुनिएगा। कोई भी व्रत कथा के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, तो वो कथा आपको सुन लेनी है। उसके पश्चात आपके यहाँ चंद्र दर्शन होते हो या तारों के दर्शन होते हो, जिस भी प्रकार होते हो वो आप दर्शन कर लेंगे और उसके बाद व्रत का पारण करेंगे। व्रत का जो आप व्रत खोलेंगे, यानी कि जब आप, तो सबसे पहले वो जो तिल की मिठाई आपने भगवान को अर्पित की है उसको सबसे पहले आप खाएंगे और उसके पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। फलाहार इस व्रत में करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, साधारण भोजन जो भी आपके घर में बनता है, बस इस दिन रोटी और चावल भूले से भी नहीं खाने हैं।
जब आप व्रत खोलें तो आप पूरी बनाएं, पराठा बनाएं, पकवान बनाएं, जो भी कुछ बनाएं उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और दाल चावल और रोटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बात का आपको व्रत खोलने के समय भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात यह आती है कि आपका पूरे दिन का व्रत हो गया, वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन यदि आपके शारीरिक सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि आप निर्जला व्रत रख सकें तो बहुत अधिक दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका शरीर जितना आपका साथ देता है उतना ही काम आपको करना चाहिए, पर हाँ किसी भी स्थिति में इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप निर्जला नहीं रख पाती हैं तो आप कुछ ना कुछ चाय इत्यादि ले सकती हैं और तब या कोई फल ले सकती हैं, कोई जूस ले सकती हैं, फिर आप व्रत को रख सकती हैं, ठीक है, लेकिन व्रत मत छोड़ देना। इसके अलावा बात यहाँ आती है कि पीरियड में और सूतक में पातक में व्रत को कैसे रखना है, अगर रखें या ना रखें। अगर आप पीरियड हैं, पीरियड से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन व्रत छोड़ने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। कथा कहानी जो है वो मोबाइल में आप सुन लीजिएगा, मेरे भी चैनल पर देखेंगे तो आपको कथा मिल जाएगी, तो आप कथा कहानी सुन लीजिएगा और जो जल है वो आपके पति दे सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप व्रत रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप व्रत करें या ना करें, अवश्य करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप व्रत अवश्य करें, अपने बच्चे की, जो आपका बच्चा है आपके शरीर के अंदर पल रहा है उसकी खुशहाली के लिए आप व्रत ज़रूर रखें। हाँ इतना ज़रूर है, वैसे तो प्रेगनेंसी में ऐसी कोई खास समस्या नहीं होती है, लेकिन हर शरीर का अलग हिसाब होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप व्रत रख सकती हैं, फल वगैरह खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, चाय वगैरह पी सकती हैं, लेकिन व्रत रख लेना, ठीक है। अगर आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि हम तो पूजा नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, तो भी व्रत मत छोड़िएगा, व्रत करिएगा। और जब चाहें या किसी और के हाथ से मंदिर में कुछ दान करवा दीजिएगा, तिल का, गुड़ का, घी का दान करवा दीजिएगा, इतना आप जरूर कर लीजिएगा, आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब बात यहाँ पर मैं समझती हूँ मैंने सारी ही बता दी है, अब विशेष उपाय मैं आपको एक बता दूँ कि इस दिन खास काम आपको क्या करना है कि आपने जो व्रत किया है, ठीक है, उससे उसके समय आपने मॉर्निंग में एक संकल्प लिया था सुबह, जिसमें आपने अपने हाथ में तिल रखे थे और दूर्वा घास रखी थी, वो आपने भगवान गणपति के चरणों में रख दी थी, ठीक है ना। उसको आप अपने व्रत का पारण करने के बाद उस तिल और घास को उस दिन नहीं हटाएंगे। 11 तारीख के सुबह भी चतुर्थी है, 2:49 तक या 43 मिनट तक आई थिंक वो चतुर्थी है, आप अगले दिन पूजा करके उस तिल और घास को वहां से उठाएंगे और किसी शमी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा खोद के और उसको दबा देंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। चाहे आपकी कोई समस्या, आपके बच्चों की कोई भी समस्या हो, चाहे विवाह की समस्या हो, उनके व्यापार की समस्या हो, उनकी नौकरी की समस्या हो, उनके प्रमोशन की समस्या हो, उनके व्यापारिक समस्या हो या उनका वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या हो, कोई भी समस्या उसे कहकर अगले दिन सुबह दबा दीजिएगा, देखना आपको कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। इस कार्य को करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ कथा सुनना मत भूलिएगा, और कथा सुनते समय हाथ में तिल लेना मत भूलिएगा, हाथ में तिल लेकर इसकी कथा सुनी जाती है। आशा करती हूँ मैंने सारी ही जानकारी अपनी तरफ से आपको दे दी है कि किस प्रकार व्रत रखना है, पूजा का मुहूर्त भी बता दिया है, सामग्री भी बता दी है, जितनी भी सूक्ष्म चीज़ें हों, अगर बहुत अधिक तादाद में चीज़ें नहीं है तो जितनी हों उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ आप इस व्रत को करिएगा, निश्चित आपके संतान के मार्ग में आ रहे विघ्न बाधाएँ, परेशानियाँ, कष्ट, दुख निश्चित भगवान गणपति दूर करें। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।